प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका, वो भी बलून बिंदास में। सब्सक्राइब और लाइक। तो टोंडा चिड़िया ने बहुत सारे काम जाम कर लिए थे। अरे सुबह है, मैं जाती हूँ और भोजन लेके आती हूँ। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरी बेटी स्कूल से आती होगी, उसको भी बहुत भूख लगेगी। जाती हूँ और जंगल से ना कुछ ढूंढ के आती हूँ। भोजन तो घर में नहीं है, ना ही पेड़ों में लगा हुआ है, ऐसे ही टोना चिड़िया चली जाती है। हाय हाय, आज तो भोजन नहीं मिला, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे भोजन कहाँ से ढूंढूं, बहुत देर हो रही है, मैंने घर भी तो जाना है। ऐसे ही टोना चिड़िया भोजन ढूंढती ढूंढती बैठी होती है। अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भोजन कहाँ से ढूंढूं। दूर नज़र घुमाती है तो उसको नारियल के पेड़ नज़र आते हैं। अरे जाके देखती हूँ नारियल के पेड़ में कुछ नारियल देखती हूँ। ऐसे ही चली जाती है, देखती है एक पेड़ में नारियल लगे हुए थे। हाय, नारियल तो मिल गए, मेरी बेटी बहुत खुश होगी, पानी पिएगी और नारियल खाएगी। अरे नारियल तो बहुत अच्छे हैं, दो तोड़ के चली जाती हूँ। ऐसे ही टोना चिड़िया दो नारियल तोड़ती है और तोड़ के चली जा रही होती है अपने घर के लिए। और रास्ते में, अरे टोना बहन, अब कहाँ से लाई हो नारियल, इधर तो मिलने रहे नारियल, बहुत ही तो सूखा पड़ा हुआ है, कहाँ से ढूंढ के लाई हो। अरे बहन जी, मैं बहुत जंगल के बाहर चली गई थी और वहाँ पे देखा समुद्र के किनारे में तो नारियल के पेड़ लगे हुए थे, वहाँ से तोड़ के आई हूँ। ऐसे ही टोना चिड़िया चली जाती है। अरे बेटा, कुकू बेटा, ये देखो मैंने आपके लिए दो नारियल लाई हूँ, एक अपने लिए एक आपके लिए। मम्मा हम मुझे सिखाते हैं और हमारा पेट भर गया, हमें और ला के दोगे नारियल। हाँ बेटा, अभी सो जाओ, सुबह जग के लेके आऊँगी आपके लिए नारियल और हम मजे मजे से खाएंगे। ऐसे ही रात हो जाती है और सुबह हो जाती है। काली का भी कालू से कहते हैं, अरे कालू, मुझे भोजन टोना चिड़िया ने बताया है वहाँ पे पेड़ है, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, हम चलते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं। अरे अरे थक गए, अरे बहुत ही दूर है नारियल के पेड़, समुंदर तो दूसरी तरफ है। ऐसे ही, अरे चलो कालू जी, चलो चलो, हम जल्दी जल्दी चलते हैं और वहाँ से तोड़ लेते हैं नारियल। ऐसे ही दोनों थक जाते हैं, बैठे होते हैं और नारियल नजर आ जाते हैं इन दोनों को और वहाँ चले जाते हैं। अरे मजे मजे से खाएंगे नारियल, बहुत ही मज़ेदार हैं। ऐसे ही काली का भी इधर से तोड़ लेती है नारियल और खा के बैठी होती हैं। इधर से टोना चिड़िया, अरे मैंने आपको बताया था तो सारे नारियल चट कर गई, मनहूस मारी काली का भी, जरा एक आध नहीं बताए बचाया कि मैं भी खाऊंगी। अरे चलो 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 कालू जी, चलते हैं यहाँ से। मैं पूरी, ये तो चोर हैं, किसी का एहसास नहीं करते। इधर से ये रो रही होती है तो परी आ जाती है। परी कहती है, बुरे काम का बुरा बदला ये लो नारियल का बीज और जाके अपने आंगन में बो देना और ये लगा देना। ऐसे ही परी जी चली जाती है और टोना चिड़िया कहती है, अरे टिंकू बेटा आजो, हमें ये देखो मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। ऐसे ही मम्मा, क्या लाई हो बेटा, ये नारियल का बीज है, परी ने दिया है और इसको बो देते हैं जमीन में। ऐसे ही इसको बो देते हैं और चार पांच महीने हो जाते हैं और काली का भी इस पेड़ को देख लेती है दूर से। अरे बेटा, यहाँ पे बहुत सारे नारियल लगेंगे और नारियल इस पेड़ पे अभी तक नहीं लगे और
ये काली कभी देख रही होती है। अरे नारियल का पेड़ नजर आ रहा है दूर से, जाके मैं देखती हूँ कि नारियल के पेड़ में नारियल लगे हैं कि नहीं। ऐसे ही काली कभी चली जाती है नारियल के पेड़ में, देखती है इसमें तो नारियल लग चुके हैं। हाय हाय, ये कहाँ से आ गए? ये तो कोई जादुई पेड़ है, मैं इससे नारियल तोड़ती हूँ। और टूना चिड़िया आ जाती है, अरे बहन इधर क्या करने आई हो? मेरा पेड़ है, आपने तो मुझे मना कर दिया था, मुझे परी ने दिया है, जाके पंछों को नारियल दे के आती हूँ। ऐसे ही टूना चिड़िया चली जाती, अरे मैं भी तोड़ लेती हूँ। पीछे से एक डंडा इसके सर में लगता है, अरे किसने मारा किसने मारा, भाग जाती है। ये देखो काली का भी बुरे कामों का बुरा अंजाम, काली का विद को तो सजा मिल गई। बच्चों आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना। इसमें सीख आप लोगों को क्या मिली? बुरे कामों का बुरा बदला।